राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 4 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट्स फेयर की भव्य शुरुआत हुई। जयपुर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों में हस्तशिल्प के विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से फॉरहेक्स फेयर का 10वां संस्करण डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, EPCH, PMS योजना के माध्यम से MSME और IEML से ई नर्चर द्वारा स्पॉन्सर्ड है। यह बहुप्रतीक्षित 4 दिवसीय फेयर 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। फॉरहेक्स फेयर के प्रेसिडेंट जसवंत मील ने बताया कि इस वर्ष ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड की CSR परियोजना ई नर्चर के कारीगर भी फॉरहेक्स मेले में हिस्सा ले रहे हैं और राजस्थान के उत्साही ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए पेश कर रहे हैं। ई नर्चर एक सामाजिक परियोजना है जो उत्पाद डिजाइन, रुझान, गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, सोशल मीडिया और निर्यात अभिविन्यास पर कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ भारत के विभिन्न समूहों में कारीगरों के जीवन को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा विभिन्न मेलों में भागीदारी के माध्यम से अपने उत्पादों में विपणन में ई नर्चर कारीगरों को सहायता भी प्रदान करती है। देखो, ये फेयर 2009 में हमने शुरू किया जब इंडिया में जो क्राफ्ट एक्सपोर्ट होता था वो इंडिया में मिलता नहीं था। तब हमने शुरुआत की थी कि इंडियन कंज्यूमर को भी जो प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है वो मिलना चाहिए। ये जर्नी चली, कोविड तक हमने इसको चलाया और अब कोविड के बाद एक ब्रेक आया जो सबको पता ही है। अब इसको नए रूप में लेके आए। अब आप इस बार आप देखोगे कि काफ़ी ब्रांड्स आए हैं इसमें, जो एक इंडिया के नीड थी, जो इंडिया के एस्पिरेशन थी, क्राफ्ट से अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ब्रांड्स बने। जो इस बार आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स आए हैं जिन्होंने अपने ब्रांड नेशनल और इंटरनेशनल बनाए हैं और जिन्होंने ऑल इंडिया स्टोर्स खोले हैं। ये एक नई चीज़ इस बार इसमें आई है। और दूसरी चीज़ है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो यंग स्टार्टअप्स हैं, जो नए इनोवेटिव चीज़ें लेके आ रहे हैं, नई डिज़ाइंस ला रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस ला रहे हैं, उनको भी एक पूरा हॉल उनको डेडिकेट किया है। मैं दिलीप बैद, चेयरमैन हूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स 130। मेरे को ये फेयर आज मैंने इनॉग्रेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फॉरेक्स फेयर, आई थिंक इस तरह के फेयर, इस तरह की एग्जीबिशन राजस्थान के आर्टिजन, राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी हैं। अभी राजस्थान सरकार ने कई नई पॉलिसीज इस बजट में अनाउंस करी हैं जिससे कि हमारे जो स्पेशली आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी राजस्थान सरकार नहीं लेके आ रही है, MSME पॉलिसी सरकार नहीं लेके आ रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी भी हम ला रहे हैं जिसमें भी इसी तरह के प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना और उसके बाद उनका विद इन कंट्री भी मार्केटिंग और बेटर करना, पैकेजिंग और बेटर करना, उस पर जोर दिया जा रहा है। तो मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को यहाँ पर बधाई देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि इस तरह के फेयर्स ऑर्गेनाइज होते रहें राजस्थान में। आपकी टीम को मैं सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है उसके लिए आश्वस्त करना चाहूँगा और यही आशा करूँगा कि इस तरह हम राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मैं रोहित गुप्ता, कमिश्नर इंडस्ट्रीज। देखिए, वैसे तो डेवलपमेंट कमिशनर हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार मंत्रालय से इस तरह का फेयर आयोजित करता रहता है, लेकिन फॉरेस्ट के साथ पहली बार हमने एसोसिएशन किया है और 30 स्टोर्स हमने अभी स्पॉन्सर्ड किया है डेवलपमेंट कमीशन की तरफ से। और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से विभिन्न क्राफ्ट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्राफ्टमैन, और मुझे लग रहा है कि ये फेयर बहुत सक्सेस होने वाला है। और मैं तो पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, फॉरेस्ट की टीम को, कि जिन्होंने इतना बढ़िया से आयोजन किया है। और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार शायद हम 30 से आगे जा कर के इसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम बताइए सर। मैं रजत वर्मा और वरिष्ठ सहायक निदेशक डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट। का 10th एडिशन फॉरेक्स का शुरू हुआ है। यहाँ जो आइटम डिस्प्ले के हैं वो नॉर्मली ओपन मार्केट में नहीं मिलते हैं कस्टमर को। ये सब एक्सपोर्टर्स हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर को एक्सपोर्ट आइटम्स यहाँ एट वन प्लेस अंडर वन रूफ मिल रहे हैं, जो उनको बाइंग करने के लिए, आई थिंक, मैं तो सभी को कहूँगा, मैक्सिमम जो भी यहाँ पे सिटी में है
वो आएँ और सोर्सिंग करें, खरीदें, क्योंकि ऐसा आइटम आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं नज़र आता। सो आप सब आमंत्रित हैं, आइएगा।